चंद बच्चों को पाला था एक माँ ने बड़ी जतन से। चंद बच्चों को पाला था एक माँ ने बड़ी जतन से, मगर ममता का सिलाब ज़ईफ़ी में न पाई। हर चीज तो तकसीम हो गई बाप के मरते ही, मगर ये बेचारी किसी हिस्से में ना आई। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम शुरू, अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत ये रहम वाला है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये हिस्सा, माँ जो है वो किसी हिस्से में नहीं आई। तो आज का हमारा टॉपिक है हिस्सा, इनहेरिटेंस, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, कानून विरासत के किस तरह जो है विरासत होती है, मगर अंडर हनफी लॉ। ये जो टॉपिक है वो तो बहुत ही वाइड टॉपिक है, बहुत ही बड़ा टॉपिक है, और इसको मतलब फॉर अ वाइल कवर करना बहुत मुश्किल है। इस वजह से हम सिर्फ वी जस्ट एक नॉवल व्यू ऑफ दिस टॉपिक है, सिर्फ थोड़ा सा ऊपर ऊपर से देखेंगे, मगर बिल्कुल ही अहम चीजें देखेंगे जो कि आपके लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के जो क्वेश्चन है उनको बिल्कुल ही क्रैक करके रख देंगे इंशाल्लाह। तो पास पेपर्स को भी हम देखेंगे, और यहाँ से इसके जो मैं आपको जो पेपर्स के थ्रू जो आपको चीजें बताऊंगा इंशाल्लाह, आई विल अपलोड ऑल दो सेम पेपर ऑन माई UFB ब्लॉग ऑल्सो, तो वहां पे आप उन पेपर्स को देख लीजिएगा। देखिए ये जो टॉपिक आज तक किसी ने भी YouTube पे कवर नहीं किया है, हर कोई यहाँ पर भी आप जाते हो तो वो वहाँ पर आपको लाख में ये कहते हैं कि टॉपिक है, स्टे ट्यून्ड, साथ रहो, ये टॉपिक और भी आगे पढ़ना है। तो बहुत बड़ा टॉपिक है, कवर करना तो मुश्किल होगा, बस थोड़ा सा हम उसको ओवर व्यू ही ले लेते हैं। देखिए कोई चीज़ जो है वो विरासत के जमरे में तभी आती है जब उसके जो है पीछे जो उसके एक्सपेंसेस या नेसेसिटी जो है वो कवर हो जाए। तो कोई बंदा जब मरता है तो बात आती है विरासत की। मेन चीज यहाँ पे मरना, कोई बंदा मरे तो बाद में उसकी विरासत होगी, जो कि उसके पास जो भी चीजें हैं, तहरे जमाने में बहुत सी चीजें होती हैं तो वो चीजें विरासत होती हैं, मगर वो जब तक जो है अपने लीगल ईयर्स जो उसके पास नहीं जाती, जब तक जो है उसकी जो लीगल नेसेसिटीज हैं वो फुलफिल की जाए। कौन सी, फॉर एग्जाम्पल फ्यूनरल बरियल, किसी बंदे को दफनाने का खर्चा हो जाता है, बरियल या कफन दफन जो है उसको उसका जो खर्चा होगा वो उसकी प्रॉपर्टी से लिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं मर जाता हूँ तो मेरी जो प्रॉपर्टी होगी, जो कुछ भी होगा उसके उस प्रॉपर्टी में से ये खर्चा जो निकाला जाएगा। उसके बाद जो दूसरी चीज़ें मैंने लिखा हुआ है चीज़ें कि कहीं भूल ना जाओ, और दूसरी वेजेस फॉर पर्सनल सर्विसेज। फॉर एग्जाम्पल मेरे लिए किसी बंदे ने कोई भी काम किया, मेरे लिए घर बनाया, कोई भी काम किया, उसकी अगर जो वेजेस रह गए मैं मरूंगा तो मेरी जो प्रॉपर्टी है उसमें से उसको भी हिस्सा दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल धमाल मूवी थी ना, धमाल मूवी के अंदर कोई बंदा मर जाता है तो बाद में जो वो चार एक्टर करेक्टर से वो आते हैं और कहते हैं कि ये आपका जो बाप मर गया है वो जो है हमें कहकर गया था, घोड़े की पिक्चर का कह के गया था, तो वो तो चला गया, उसके पैसे नहीं घोड़े की पिक्चर की। तो ये इस तरह कुछ क्वेश्चन अराइज होते हैं। तो दो चीज़ें हमने देखी। तीसरी चीज़ है डेट्स, कर्ज, कर्ज होते हैं। कर्ज में जो कौन कौन सी चीज़ें आती है, एक अल्लाह का कर्ज जो कि ज़कात वगैरह होती है वो देना लाजमी है। उसके बाद इंसानों का कर्ज, जो भी आपने लोन डेट्स जो भी लिए थे उस बंदे ने, उसकी प्रॉपर्टी में से आपको वो पे करने हैं लाजमन। और दूसरे डिफर्ड ओवर, ये भी एक कर्ज है। डिफर्ड ओवर का मतलब क्या होता है, वो जो हक में औरत की होती है वाइफ की, उसको देनी है। वो जब फॉर एग्जाम्पल वो बाहर किसी बैंक पे जो है उसको मिलती है, भाई हस्बैंड जब मर जाए तो दी जाएगी, या डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज जो है थ्रू डाइवोर्स हो जाए तो उस सिचुएशन में दी जाती है। तो यहाँ पे दायरे बंदा मर गया है तो उसकी वाइफ की जो डिफर्ड ओवर है उसको दी जाएंगी। लास्ट में विल, वसीयत जो होगी, उस बंदे ने अगर जो कोई की है कि मैं अपनी प्रॉपर्टी का 1/3 हिस्सा मैं किसी बंदे को दूंगा, तो वो वसीयत भी जो है वो उसका जो प्रॉपर्टी है वो भी दी जाएगी। एंड देन ऑल द थिंग्स आफ्टर अकॉम्प्लिशिंग ऑल दीज थिंग्स, ऑल द थिंग्स लेटर द प्रॉपर्टी विल बी डिवोल्व्ड इनटू द लीगल हेयर्स। देयर आर थ्री मेन काइंड ऑफ लीगल हेयर्स। फर्स्ट इज शेयर्स, शेयरर्स, SHARERS, शेयरर्स। उसके बाद सेकेंड है रेजिडुअरीज। रेजिडुअरीज मीनिंग से पता चल रहा है कि वो कि जब पीछे कुछ ना हो बाद में डिवोल्व हो जाए, रेजिडुअरीज। और थर्ड है डिस्टेंट किंडर्ड, डिस्टेंट किंडर्ड जिन्होंने को छोड़ ही नहीं बचा है। देखिए शेयरर्स के, अब जब शेयरर्स को देखें, शेयरर्स में देखिए जब शेयरर्स का कोई हिस्सा हो और अगर जो कोई शेयर हो ही ना, बेटा हो ही ना, बेटी हो ही ना, तो फिर जो है उन्हों का हिस्सा मिल जाता है रेजिडुअरीज को। आई बात समझना, या जो है शेयर हो तो सही मगर उनको अपना हिस्सा मिल गया, बाकी जो का जो बचा है तो वो इट विल बी डिवोल्व इनटू लेटर इनटू द रेजिडुअरीज। और लास्ट में जब फॉर एग्जांपल रेजिडुअरीज भी ना हो
या रेवी डोरीज को अपना हिस्सा मिल गया हो देन इट विल बी डिवोल्ड इनटू द डिस्टिंक्ट किंडर। तो क्वेश्चन यहाँ पर राइज होता है कि कौन होते हैं शेयर्स, कौन होते हैं रेवी डोरीज, कौन होते हैं डिस्टिंक्ट किंडर्स। तो यहाँ पे कोई प्रॉपर आंसर मैं नहीं दे सकता आपको, कोई भी नहीं दे सकता, क्योंकि ये जो इट डिपेंड्स ऑन द सर्कमस्टेंसेस, इट डिपेंड्स ऑन द नेचर। कभी जो बेटी है ना, फॉर एग्जाम्पल बेटी जो है वो कभी शेयर हो जाती है, कभी रेजिडोरी हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल या दूसरा एग्जाम्पल है ग्रैंड फादर का, ये बड़ा हुआ है, ग्रैंड फादर जो है वो कभी शेयर बना जाता है, कभी वही ग्रैंड फादर जो है वो रेजिडोरी में चला जाता है। तो सर्कमस्टेंसेस पे डिपेंड करते हैं कौन से सर्कमस्टेंसेस है, हम कुछ वो केसेस को देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन यहाँ पे व्हेन डॉटर बिकम्स रेजिडोरी या व्हेन ग्रैंडफादर बिकम्स रेजिडोरी, तो ये चीज है। चलो देखते हैं कुछ हिस्सों को। मेन चीज आपको बताऊंगा, एक पास पेपर था रिसेंटली मैंने वो हल किया है, हमारे इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ मिठान कैंपस के अंदर क्वेश्चन था वो, उसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन इनहेरिटेंस के बारे में था। कुछ मेन चीजें जो दी गई थी, कुछ मेन करेक्टर थे, कुछ मेन ईयर थे, उन्हों के बारे में था, तो मैं आपको वही डिस्कस करूंगा उससे ज्यादा। चले एक बड़ा मेन क्वेश्चन होता है कि देखिए जब जो है दादा ग्रैंडफादर जो मर जाता है तो उसकी प्रॉपर्टी जो इसके दायरे, ग्रैंडफादर का फादर मर जाए, फादर मर जाता है तो उसके बेटों में जो उसकी प्रॉपर्टी डिवोल्व हो जाती है। तो कुछ ऐसी सर्कमस्टेंसेस सिचुएशन होती है कि जब जो बेटा, फॉर एग्जाम्पल चार बेटे, एक और जो बेटा है वो मर गया है मगर उसके फादर बेटे हैं, हम जिसको कह सकते हैं कि वो फेन है, वो यतीम हो चुके हैं क्योंकि उसका बाप नहीं। तो अब जो इन ये यतीम बच्चे इनों को प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी अपने दादा की, क्योंकि यहाँ पे एक इम्पीडमेंट क्रिएट हो गई, एक मसला क्रिएट हो गया, एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, वो ये कि इनों का बाप नहीं है। अगर ये बाप होता तो प्रॉपर्टी सीधी इनों के दादा की सीधी प्रॉपर्टी उसके बाप को मिली थी, मगर वो अब नहीं मिलेगी इन बच्चों को, क्योंकि उनों का बाप मर चुका है। तो इसका मतलब अब वो प्रॉपर्टी कहाँ गई दादा की, वो जो उन के चारों और बेटे हैं, इट विल बी डिवोल्व्ड इनटू दो। तो ये एक चीज, ये मैंने आपको वैसे बताया। अब स्टार्ट करते हैं When wife dies, ये एक सिचुएशन, शेयरर्स की बात कर रहा हूँ, रेजिडुअल डिस्टिंक्ट किंडर्स की नहीं, शेयरर्स की बात कर रहा हूँ। शेयरर्स में शेयरर्स कौन होते हैं, ये शेयरर्स ये वो इंसान हैं, ये वो बंदे हैं, ये वो लीगल हीयर्स हैं जिन्हों को कुरान ने मेंशन किया है, एटलीस्ट आई थिंक 9, 10, 11, 12 समथिंग ये बंदे हैं जिन्हों को आई थिंक कुरान ने जो मेंशन किया हुआ है कि इन्हों को इतना हिस्सा दो, खुदा ने खुद कहा है कि इन्हों को इतना हिस्सा दो। उसमें औरत आ जाती है, मतलब वाइफ, हस्बैंड, बाप, दादा, बेटे, बेटियां, तो ये आता था इसके अंदर। लेट्स स्टार्ट, पहले व्हेन वाइफ डाइज, जब जो है वाइफ मर जाती है, मर जाती है का मतलब है अब उसका हस्बैंड तो होगा, लाजमन हस्बैंड होगा या उसके बेटे होंगे, उनको कितना ऐसा मिलेगा। तो यहाँ पे बोल रहा है कि अगर ये चिल्ड्रन हैं, बच्चे हैं, तो हस्बैंड को जो हिस्सा मिलेगा 1/4, कितना मिलेगा 1/4। सपोज करो वाइफ की प्रॉपर्टी थी 8 रुपए, ऐसा तो नहीं होता है, मगर वैसे सिंपल एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 8 रुपए है उसकी प्रॉपर्टी, अब हस्बैंड को 8 रुपए में से कितना मिलेगा। तो इट डिपेंड्स ऑन दी प्रेजेंस ऑफ चिल्ड्रन, के बच्चे कितने हैं, अगर के बच्चे हैं तो बाप को मिलेगा 1/4 प्रोपोर्शन, 1/4 को डिवाइड करें 8/4 कितना होगा भाई 2, मतलब 2 रुपए मिले किसको, बाप को। दूसरी सिचुएशन, बाप को कितने मिलेंगे जब बेटा, कोई बच्चा ही ना हो, कोई औलाद नहीं है उस औरत का, तो औरत का जब औलाद नहीं है तो उसको जो है प्रॉपर्टी मिलेगी बाप को, मतलब हस्बैंड जो उस औरत का है, और बच्चों का बाप, बच्चे हैं नहीं अब, तो हस्बैंड, अब हस्बैंड को कितनी प्रॉपर्टी मिलेगी 1/2, 1/2 का मतलब होता है हाफ प्रॉपर्टी, 8 की हाफ कितनी होगी 4, मतलब 4 रुपये किसको मिल गए, हस्बैंड को, वो तब जब औरत मर जाए बच्चा ना हो, अदरवाइज 1/4। ओके लेट्स स्टार्ट, माइक का थोड़ा मसला है, आवाज थोड़ा मे भी आपको ब्लर आ रहा हो, इसके लिए माफ़ करूंगा, बाकी टॉपिक समझ में आएगा ये बात है मेरा। वेन हस्बैंड डाइज, पहले था औरत मर रही थी, अब जब शोहर मर जाए खुद, तो शोहर जो मरता है तो उसके बाद औरत को कितना ऐसा मिलता है, जब बच्चे होंगे, ये लाजमी नहीं बच्चे हैं या नहीं है, बच्चे हैं तो मतलब ऐसा कम मिलेगा कितना 1/8, वहाँ पे मर्द को कितना मिल रहा था 1/4, औरत को 1/8, क्यों डिस्क्रिमिनेशन है यार, कुरान ने जो डिस्क्रिमिनेशन क्यों की, ये मुझसे दोस्त ने क्वेश्चन पूछ रहे हैं यार, औरतों को जो हमेशा ऐसा कम मिलता है, मगर उसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है और ज़बरदस्त रीज़न जो खुला दिया है, अभी डिस्कस नहीं कर सकते, आगे चले। तो हस्बैंड जब मर जाए औरत को मिलेगा 1/8 जब बच्चे हों, 1/8 का मतलब क्या हुआ 8 रुपए है ना, 8/8 डिवाइड करते हैं 1, मतलब 1 रुपया 1 रुपये जो मिलता है औरत को। अब जब बच्चे नहीं है, बच्चे नहीं है तो उसको मिलेगा, औरत को मिलेगा 1/4, इसका मतलब है 2 रुपये, 8/4 डिवाइड कर आंसर आता है 2, मतलब 2 रुपये किसको मिल गए औरत को, जब हस्बैंड नहीं है। अब तीसरी सिचुएशन, व्हेन फादर डाइज,
बाप मर जाए, फॉर एग्जाम्पल इसको कुछ एग्जाम्पल में कंसिडर करें, मैं बाप हूँ, मेरे बच्चे हैं, मेरे माँ बाप हैं, अब वो मेरे जो माँ बाप हैं ये दे आर ग्रैंड फादर एंड ग्रैंड मदर ऑफ माय चिल्ड्रन, ये थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ लें। अब आते हैं डॉटर, मतलब मेरी डॉटर जो मेरी बेटी होगी उसका जो है शेयर कितना होगा, उसका शेयर कितना होगा। अब यहाँ पे जवाब है कि जब बेटा ना हो, जब बेटा ना हो तो और उस लड़की का एक बेटी है बेटा नहीं है तो उसका औरत का कितना हिस्सा होगा, 1/2, वन हाफ हिस्सा, 8 रुपए का हाफ कितना होगा 4, मतलब 4 रुपए लड़की को मिल गए, बाकी 4 रुपए बच रहे हैं वो कहाँ जाएंगे, रेडी जोरी डिस्टेंट के नर्ड उसमें जो है सेपरेट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। उसके बाद है यहाँ पे थी एक लड़की, अब दूसरा जब दो लड़की हो या दो से ज्यादा लड़कियां हो, इन दिस सिचुएशन और दो या दो से ज्यादा लड़कियां हो और जब बेटा ना हो तो इनको मिलेंगे 2/3 इक्वली, सब दो लड़कियां हैं या दो से ज्यादा हैं बेटियां उनमें 2/3 इक्वली डिवाइड हो जाएगा। इसमें किस तरह करेंगे भाई, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 16 को 3 से डिवाइड कर दो, समथिंग पॉइंटों में आंसर आएगा, देख लीजिएगा। उसके बाद बेटा, ये थे बेटियों के दो केसेस, अब बेटा, बेटा है और बेटी फॉर एग्जाम्पल नहीं है, बेटा है बेटी नहीं है तो इसमें सिर्फ इसका आंसर यही है कि बेटे को हमेशा लड़की या बेटी जो है उससे 2 गुना ज्यादा ऐसा मिलेगा, याद रहे 2 गुना ज्यादा। अगर कि लड़की को 1 मिलना होता उस वक्त, अगर बेटी होती 1 मिलना होता तो इसको 2 मिल जाएंगे, उसको 2 मिले होंगे तो इसको 4 मिल जाएंगे, इस तरह होगा। ये तब जब लड़की ना हो और बेटा हो, दो मतलब 2 पोर्शन मिल जाएंगे लड़की केस को। अब जब लड़का हो एक लड़की भी हो, लड़की भी लड़की या लड़कियां हो, इसमें यह कि यहाँ पे रेजिडुअल का कॉन्सेप्ट आ जाता है, शेयर्स के अंदर रेजिडुअल, ये किस तरह के बेटे को जो हिस्सा मिल जाएगा आपको मैं बताऊं, 1/2 तो नहीं मिलेगा बेटे को, जब बेटियां हों तो बेटे को शेयर कितना मिलेगा, लहर बेटे को तो डबल शेयर मिलेगा, एक बेटी के एक बेटी जो है उसका डबल शेयर उसको मिल जाएगा, बाकी जो भी प्रॉपर्टी बची होगी वो रेजिडोरी हो जाएगी, मतलब बेटियां जो अब रेजिडोरी पावर में आ जाएगी, आ गई है रेजिडोरी के जमरे में आ गई है, अभी जो प्रॉपर्टी बची है इट विल बी डिवोटेड टू डॉटर। तो देखें शेयरर्स में बेटियां रेजिडोरी में होंगी, बेटे को जो है 2 हिस्से मिल गए लड़की के, अब जो बाकी जो प्रॉपर्टी बची है वो कहाँ जा रही है, लड़की को जा रही है। अब ग्रैंड मदर का, ग्रैंड मदर का मतलब क्या है भाई, मैं मराऊँ ना तो मेरी माँ होगी और मेरे बच्चों की दादी होगी। ओके तो लेट्स स्टार्ट, तो वो जो मेरे बच्चों की दादी हो जाएगी। मैं बीच में इसको पास कर रहा हूँ अपनी वीडियो को, उस वजह से क्योंकि बात थोड़ा शोर है। तो दादी को जो कितना ऐसा मिलेगा, मतलब मेरी माँ को कितना ऐसा मिलेगा, तो इसका जवाब है जब मेरे बच्चे हैं तो मेरी माँ को 1/6 ऐसा मिलेगा, मतलब 8 को डिवाइड करने से जो आंसर होगा, और मेरा जो बाप है मेरे बच्चों का जो दादा है उसको कितना मिलेगा, उसको भी 1/6, वो तब जब मेरे बच्चे हों, इसका मतलब है पहले बच्चों में डिवाइड होगा उसके बाद 1/6 माँ को, 1/6 मेरे बाप को। क्लियर। अब सिचुएशन दूसरी, तब जब बच्चे ना हो, जब बच्चे नहीं है तो इसका मतलब उनका पोर्शन पड़ेगा, प्रोपोर्शन पड़ेगा, उनको हिस्सा जो है वो कुछ ज्यादा मिलेगा, तो इसको मेरी माँ को मिलेगा 1/3, कितना मिलेगा 1/3, और जो मेरा फादर है वो ही विल गो इन रेजिडुअरी, उसको जो पूरी जो प्रॉपर्टी वो रेजिडुअरी सिचुएशन में मिल जाएगी। किस तरह के भाई, मेरे बेटे तो मतलब मेरे जो चिल्ड्रेन तो हैं नहीं, औलाद नहीं है, और जो मेरी जो माँ होगी उसको जो हिस्सा मिल गया 1/3, बाकी जो प्रॉपर्टी बची इट विल बी डिवोल्ड इन टू माई फादर, विच इज द ग्रैंड फादर ऑफ माई चिल्ड्रेन। तो दिस इज ऑल अबाउट सिचुएशन। और मैं जो आपको बताऊं कि एक्चुअली मैं किस बुक को फॉलो कर रहा हूँ, इसका नाम है मुल्ला मोहम्मद लॉ, इसी तरह इस बुक को मैं फॉलो कर रहा हूँ। इसके अंदर नफी स्कूल ऑफ थॉट की तरफ से जो भी लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के प्रिंसिपल कवायद प्रोसीजर जो बताए गए हैं दिस दो ऑल आर प्रेजेंट इन, तो आप ये लाजमी पढ़ें इस बुक को, और इसकी जो इनहेरिटेंस से कंसर्न जो भी जो है टॉपिक्स हैं वो मैंने दिए हुए हैं ब्लॉग पे, मैं लाजमन दूंगा वो देखिएगा। और एक जो क्वेश्चन जो कि मैं आपको बता रहा था कि मैंने जो देखा था जो कि टेस्ट में आया था हमारे, मैं आपको पढ़कर बताता हूँ, हाउ एंड वेन स्टेट डिवोर्स टू लीगल ईयर्स, कब और कैसे डिवोर्स हो जाती है स्टेट मतलब प्रॉपर्टी लीगल ईयर में, और उसके फर्दर इसको ऐड करते हैं व्हाट आर क्लासेस ऑफ लीगल ईयर्स, 3 है मैंने जो आपको बताया शेयर्स रेजिडुअरीज एंड डिफरेंट किंडर्स, और फर्दर शेयर बताते हैं कि गिव शेयर ऑफ मदर फादर वाइफ डॉटर एंड सन, ये सब मैंने आपको शेयर अभी बता दिए जो कि आपको देख लीजिएगा। मदर का आपको मिल होता है मतलब मेरी मदर और मेरे बच्चों की ग्रैंड मदर, मेरी मदर को 1/6 मिलेगा तब जब बच्चे ना हो, बच्चे हों तो 1/6, और जब बच्चे ना हो तो 1/3, मेरे फादर को कितना मिलेगा अभी 1/6, तब जब मेरे बच्चे हों
और जब बच्चे ना हो तो रेफ्यूजरी में चला जाता है। उस तरह वाइफ और डॉटर को डॉटर का भी मैंने आपको बता दिया, वो देख लीजिएगा। बाकी जो डिस्टेंट किंडल रेविडियल के फर्दर कॉन्सेप्ट बना गया, रेविडियल को देख लें, वो जो आपको मैंने दो बताई थी, डॉटर की सिचुएशन और ग्रैंड फादर की सिचुएशन, ये अहम। बाकी ज़्यादातर यही क्वेश्चन आते हैं। मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट इसी बुक का जो है, इसी बुक से कंसर्न एक क्वेश्चन था, बहुत अहम क्वेश्चन था, बिल्कुल मतलब एक वर्ड पीकिंग से कॉन्सेप्चुअल टाइप क्वेश्चन। उसके अंदर जो शेयर बताए गए थे कि आपको बताना है कि किस तरह जो है प्रॉपर्टी डिवोल्व होती है, तो हुआ वो था तो बिल्कुल मुश्किल क्वेश्चन, मगर उसके अंदर बिल्कुल इन्हों के यही शेयर थे जो कि मैंने आपको बताया इस बुक के अकॉर्डिंग। तो इसको बस इन चीज़ों को देख ले, इट विल बी नथिंग इंशाल्लाह। सो थैंक यू गाइस, खुदा हाफिज़। डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब शेयर माय दिस वीडियो एंड चैनल बोथ, और उसके अलावा ब्लॉग को लाजमन देखिएगा क्योंकि ये सब चीज़ें वहाँ पर भी दूंगा। अगर ये आपका मूड हो तो देखिएगा, अदरवाइज इट्स ऑन यू। थैंक यू, खुदा हाफिज़।